बीए प्रथम वर्ष में बौद्ध धर्म हम पढ़ रहे हैं, महात्मा बुद्ध को हमने पढ़ा तथा बौद्ध धर्म की शिक्षा और सिद्धांत के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को देन तथा इससे पूर्व जो हमने धर्म पढ़ा जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में क्या विभिन्नताएं हैं, क्या समानताएं हैं और क्या असमानता है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की हम तुलनात्मक अध्ययन भी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को देन। बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, शासन नीति और आचार विचार से एक विशेष दिशा बोध कराया। सबसे पहले है धर्म और दर्शन के क्षेत्र में देन। बौद्ध धर्म एक सीधा साधा धर्म था, उसमें निरर्थक क्रियाकांडों, विधि विधानों, नियमों और पुरोहितों की आवश्यकता नहीं थी। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता ने वैदिक धर्म को अत्यधिक प्रभावित किया और इसी के परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म का रूपांतरण हुआ। यज्ञ, बलि, कर्मकांड आदि आडंबरों के स्थान पर हिंदू धर्म में मानवता, स्नेह, भ्रातत्व और प्रेम का विकास हुआ। बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा का प्रचार प्रसार किया। ब्रह्म, आत्मा और सृष्टि की उत्पत्ति जैसे गूढ़ रहस्यों के स्थान पर क्षणिकवाद, कार्य कारणवाद, अनात्मावाद के साथ सदाचार का उपदेश इस धर्म ने दिया। मतलब इस धर्म में निरर्थक क्रियाकांडों की कोई स्थान नहीं था। यज्ञ, पशु बलि ये चीजें इस धर्म में नहीं थी। ये एक सीधा साधा धर्म था और इसलिए लोग इस धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुए। दूसरे नंबर पर आता है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में देन। बौद्ध धर्म ने भारतीय साहित्य एवं शिक्षा को भी काफी प्रभावित किया। समकालीन भारतीय भाषाओं पाली, प्राकृत, संस्कृत आदि में बौद्ध धर्म का विस्तृत साहित्य सृजन हुआ, जो कि भारतीय भाषाओं के विकास में बौद्ध धर्म की अपूर्व देन है। बौद्ध विहार एवं मठ शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, जिनका उल्लेख नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के रूप में प्राप्त होता है। अश्वघोष, नागार्जुन, बसुबंधु, बुद्ध घोष आदि बौद्ध आचार्य साहित्य सृजन एवं शिक्षा के क्षेत्र में महान विद्वान थे, जिनकी इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। तीसरे नंबर पर आता है कला के क्षेत्र में देन। कला के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म की महान देन रही है। गुफा मंदिरों का निर्माण, मूर्ति कला की गांधार शैली तथा भावना प्रधान अजंता शैली की चित्रकला बौद्ध धर्म के प्रभाव से ही विकसित हो पाई है। सांची, भरहुत तथा अमरावती के स्तूप, अजंता, एलोरा की गुफाएं, चैत्य और बौद्ध विहार बौद्ध धर्म की कला के महत्वपूर्ण प्रतीक है। गांधार, मथुरा तथा सारनाथ की मूर्ति कला शैलियों का जन्म बौद्ध धर्म की ही देन है। इसके बाद आता है विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार। बौद्ध धर्म के फलस्वरूप भारतीय संस्कृति का अन्य देशों में प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध भिक्षुओं ने चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका,
बर्मा, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया आदि देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके बाद आता है राजनीति के क्षेत्र में देन। बौद्ध धर्म ने भारतीय राजा महाराजाओं को भी प्रभावित किया। राजाओं द्वारा अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकार कर युद्ध की नीति का परित्याग करने हेतु बौद्ध भिक्षुओं के प्रयत्न उल्लेखनीय हैं। सम्राट अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म से प्रभावित थे और उन्होंने प्रजा की नैतिक एवं भौतिक उन्नति के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया। तो ये था बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को देन, जिसमें धर्म और दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, जो बौद्ध धर्म का विदेशों में जो प्रचार प्रसार हुआ ये भी भारतीय संस्कृति को इसकी एक देन है, और राजनीति के क्षेत्र में देन कि कई राजा महाराजाओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध धर्म के सिद्धांत अहिंसा के सिद्धांत को अपना करके युद्ध की नीति का परित्याग किया, जिनमें एक अशोक भी था। अब आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का तुलनात्मक अध्ययन। सबसे पहले हम बात करते हैं समानता की। तो दोनों धर्मों के अपने अपने त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न हैं और जैन धर्म के भी त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है उनमें क्या कह रहे हैं, सबसे प्रमुख बात है कि भाई उसी तरीके से जैन धर्म के तीन रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और बौद्ध धर्म के जब हम त्रिरत्नों की बात करें तो वो है बौद्ध धर्म, बुद्ध धर्म और संघ। तो दोनों ही धर्मों ने सदाचार और अहिंसा का प्रधान स्थान लिया था। दोनों धर्मों ने मानव सेवा पर अधिक जोर दिया था। दोनों धर्म ईश्वर को इस सृष्टि का निर्माता नहीं मानते और इस कारण दोनों की गणना नास्तिक धर्मों में की जाती है। दोनों धर्मों का उदय ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। अतः दोनों ही धर्म ब्राह्मण धर्म के प्रमुख ग्रंथ वेदों की प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं करते। दोनों ही धर्मों का अंतिम लक्ष्य निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति है। दोनों धर्मों का विश्वास है कि प्रत्येक मनुष्य को बिना किसी भेदभाव के निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार है। दोनों ही धर्म इस जीवन को दुख में मानते हैं। दोनों ही धर्मों ने देववाणी संस्कृत के स्थान पर बोलचाल की भाषा को प्रचार प्रसार का माध्यम चुना। जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को और बौद्ध धर्म ने पाली भाषा को अपनाया। तो ये तो थी दोनों धर्मों की समानता कि भाई दोनों धर्मों के अपने अपने त्रिरत्न हैं। दोनों ही धर्म ईश्वर को इस सृष्टि का निर्माता नहीं मानते। दोनों ही धर्म वेदों की प्रमाणिकता में विश्वास नहीं करते। दोनों ही धर्मों का अंतिम लक्ष्य निर्माण की प्राप्ति है। दोनों ही धर्मों ने जो एक तरीके से बोलचाल की भाषा है उसको अपने प्रचार का माध्यम बनाया। तो ये तो थी दोनों धर्मों की समानता। अब आती है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में असमानता। तो जैन धर्म का मूल स्वरूप बौद्ध धर्म से कहीं अधिक प्राचीन है। वैसे तो दोनों धर्म अहिंसावादी हैं परंतु व्यवहारिक रूप में बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म जो है वह अहिंसा पर अधिक बल देता है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है और बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। मतलब बौद्ध धर्म जो है वह अनात्मावादी धर्म है। जैन लोग
अपने महापुरुषों को तीर्थंकर कहते हैं, और वही बौद्ध जो मतावलंबी हैं वह अपने महापुरुषों को बोधिसत्व कहकर पुकारते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में हुआ, जबकि जैन धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में नहीं। तो ये थी दोनों धर्मों के बीच समानता और असमानता। तो आज हमने पढ़ी बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को देन, और बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का तुलनात्मक अध्ययन, मतलब दोनों धर्मों में समानता और असमानता।